सिंगरौली जिले के बड़ोखर निवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जियावन पुलिस ने 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़ोखर निवासी अजय नामदेव ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को अपने झांसे में ले लिया। युवक ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा, जिसकी सूचना परिजनों ने थाने में दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जियावन पुलिस हरकत में आई। पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर बरगावा रेलवे स्टेशन में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जियावन पुलिस की सक्रियता, गंभीर मामले के आरोपी को 6 घंटे में गिरफ्तार करने पर पीड़िता के परिजनों व क्षेत्र की जनता ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर आभार जताया है। उक्त कार्रवाई में जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय, उप निरीक्षक सरनाम सिंह, प्रियंका सिंह, महेंद्र त्रिपाठी, संजीत सिंह, आशीष द्विवेदी, साथ ही गठित अन्य टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किस गांव के रहने वाले हो? ये गलत काम क्यों किए हो? क्यों किए हो? गलती से हो गया है। ये इतनी बड़ी गलती क्यों किया तुमने नाबालिग बच्ची के साथ? क्यों किया? हम अपने मन से थोड़ी कुछ किए हैं, उसका भी मन रहा हुआ तभी नहीं। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।